और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। आप तो देखिए, यहाँ पर जोशीमठ का सुदूरवर्ती गांव माना जाता है करछों गांव को। उसी यहाँ पर करछों गांव के यहाँ पर अंतर्गत एक गांव और भी आता है, जिस गांव का नाम जोंज गांव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जोंज गांव की। यहाँ पर जिस गांव में यहाँ पर 40 परिवार के आसपास जो है भूटिया जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हालांकि इस गांव में यहाँ पर अधिकांश लोग यहाँ पर भूटिया जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 40 परिवारों का गांव अब पूरी तरह से खतरे के जद में पहुंच चुका है। यहाँ पर रहने वाले दर्जनों परिवारों के यहाँ पर घरों पर मोटी दरारें आ चुकी हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। जो दरारें कभी कोई बड़ा रूप ले सकती हैं। कई परिवारों ने तो यहाँ पर तक अपना निवास स्थान भी छोड़ दिया है। जो कोई परिवार यहाँ पर है, भी उन पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे लोग यहाँ पर जिंदगी और साथी मौत के खेल से खेल रहे हैं। श्रीमती हरकी देवी से हम इतना ना यु माद भ्यो पर फूट गए, वो पूरे पिछाड़ी पे टूट गए कमरा, आ ये साइड पे पूरे टूट गए, खून मान पूरे टूट गए। अब हम का जान, हमको तो रोड़ा रोड़ा लौड़ा से हमारा बेरोजगार दुई लौड़ा से यो बाजार में लुगा दुकान में खाली बैठू तक, और यो खाली बाजार घूमू, कुछ छो ही नहीं व्यवस्था मन में। रोड़ खाण का जागे जमीन में बहुत कम छा मन में, ये भी नहीं कि जमीन ज्यादा होल गुल के। अब ये सब ये अलावा जान का छप देवी मेरे नाम, और वो मैं ग्राम सभा जोज में रहती हूँ, और हमारा घर बहुत टूटने वाला है। यहीं पर हम यहीं रह रहे, वैसे ही बारिश आएगी तो तब हमको बहुत खतरा है, कैसे रहेंगे हम जो दूर दूर जा रहे हम लोग। और हमारे सास ससुर ने ऐसा बनाया था तो क्या करना, टूटने वाला है, कहाँ रहना हमने।